देखिए जैसे कि आपको पता है केजीएफ की इंडस्ट्री से एक और पैन इंडिया फिल्म आ रही है 777 चार्ली, जिसको कुछ ही दिन पहले प्रीमियर शो कुछ जगहों पर रखा गया था। और कमाल की बात यह है जिसने ये फिल्म देखी है वो लोग केवल पॉजिटिव रिव्यू दिए 777 चार्ली के बारे में। कोई ऐसा इकलौता बंदा नहीं था जिसने नेगेटिव बोला हो, पर मगर हमारे बॉलीवुड की सो कॉल्ड स्ट्रगल क्वीन उन्होंने कुछ अजब घटिया रिएक्शन दे दिया जिसे देखकर आपका भी मूड खराब हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं अनन्या पांडे ने फिर से क्या बक दिया। देखिए 3 साल के मेहनत के बाद आज बन पाई है 777 चार्ली। भाई एक्टिंग तो इंसान से कोई भी करवा सकता है, अनन्या पांडे भी थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लेती है, पर इस फिल्म में एक डॉग ने एक्टिंग किया है और लोग इसी डॉग की एक्टिंग देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो गए। देखिए अनन्या पांडे ने रिसेंटली सोशल मीडिया पर ट्वीट किया था, व्हाट ए सरप्राइज, दिस डेज पीपल वांट टू बिकम एन स्टार बाय मेकिंग फिल्म विद डॉग्स एंड कैट। बाकी तो आप समझ ही गए होंगे ये मोहतरमा इनडायरेक्टली किसके बारे में बोल रही है। इनके हिसाब से लोग कुत्ते बिल्लियों के साथ फिल्म बनाकर स्टार बनना चाह रहे हैं। मैं इनसे बस एक ही शब्द कहूंगा, दीदी आप सलाह गुना अच्छा एक्टिंग ये डॉग कर लेता है। अरे यार इनको एक्टर कौन बना देता है जिन्हें एक्टिंग का ये नहीं आता है, बोल रही है बड़ी बड़ी बात। बाकी इनके बारे में क्या ही कहा जाए भाई, बहुत बुरा लगता है किसी के 3 साल की मेहनत को ऐसी ऐसी बातें बोली जाती है। बाकी मैं आपको 777 चार्ली के बारे में बता देता हूँ। फिल्म में लीड रोल रक्षित सेठी का है जो धर्मा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जिनके रूम में चार्ली चैप्लिन का स्टिकर लगा हुआ है, पर भाई की लाइफ में मुस्कुराने की कोई वजह नहीं है और घर वाले भी इन्हें हिटलर मानते हैं और आसपास के पड़ोसी की नजर में इनका कोई वैल्यू नहीं है। पर भाई को भी जिंदगी में मजे लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, एकदम इनकी लाइफ झंड हो गई है, फैक्ट्री सिगरेट इडली बस यही इसकी लाइफ साइकिल बन गई है। अब वो स्टिकर में से तो चार्ली चैप्लिन तो निकल के नहीं आ सकता ना, इसलिए इनके लाइफ में एक चार्ली नाम का डॉग का एंट्री हो जाता है। पहले तो भाई उससे खूब चिढ़ते हैं, उसको दूर भगाना चाहते हैं, फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है इनके साथ कि भाई उस चार्ली को अपना जिगरी दोस्त बना बैठते हैं। और इधर अड़ोसी पड़ोसी को धर्मा और चार्ली से कुछ ज्यादा ही दिक्कत होने लगती है और इसलिए दोनों को कॉलोनी से भगा दिया जाता है। और फिर क्या, धर्मा और चार्ली निकल जाते हैं अपने सुनहरे सफर पर और जैसे कि ट्रेलर में दिखाया गया रास्ते में चार्ली के साथ कुछ हो जाता है और धर्मा भाई बौखला बैठते हैं और उसके बाद क्या होगा वो तो आपको फिल्म में ही पता चलने वाला है। बाकी 777 चार्ली आपको हंसाएगी भी, रुलाएगी भी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी आखिर ये कैसे हो गया। और सेंटर होगा इस मूवी का लव, एक इंसान को जानवर के प्रति प्यार और एक जानवर के एक इंसान के प्रति प्यार। हम ये कह सकते हैं चार्ली और धर्मा की जर्नी देखने वाले इस फिल्म में। और फिल्म आपको रिलीज हो जाएगी 10 जून को 5 लैंग्वेजेज में, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा में। बाकी आप कमेंट करके बताओ आपको क्या कहना चाहेंगे अनन्या पांडे के स्टेटमेंट के बारे में, क्या इनको ये बोलना सही था ये गलत, अपनी राय जरूर दे। और साथ में इसी और अपडेट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक आप सभी को अलविदा।